लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ माँ बाप जो है ना वो बच्चे की गलती के हिसाब से नहीं मारते, अपने मिजाज के हिसाब से मारते। हाँ, अपने मिजाज के, मेरा मूड कैसा है, अपना गुस्सा उतारने के लिए मारते, गुस्सा उतारने के लिए बच्चे को नहीं मार रहे हैं। हाँ, सूरत हाल क्या है कि वो बाप जो है ना वो ऑफिस में बॉस से गाली सुन करके आ रहे हैं और मैनेजर की डांट सुन करके आ रहे हैं। अभी वो टेंशन में घर पे आया, चच्ची की छोटी सी गलती थी, पूरा जो गुस्सा बॉस का और मैनेजर का था ना वो बच्चे पे उतार दिया अपने। हाँ, भाई जो है वो किसी और टेंशन में है। हाँ, उसके अपने बाहर मसाइल चल रहे हैं, दोस्तों से, बीवी से, सारा गुस्सा भाई पे उतार दिया, छोटे भाई पे। छोटा भाई तो ऐसे धुना जाता है। हाँ, माँ बाप तो मारते हैं, भाई अलग मारता है। हाँ, माँ जो है वो सास से कुछ झगड़ा हो गया और ननद से झगड़ा हो गया, सारा गुस्सा वो नहीं, बच्चा जो है ना, बच्चा जो है वो पंचिंग बॉक्स बन जाता है। जिसको भी कोई टेंशन हो घर में, एक बच्चा है पंचिंग बॉक्स की तरह, अपना सारा गुस्सा हो बच्चे पे उतार दो। भाई अलग गुस्सा उतार रहे हैं, बहनें अलग गुस्सा उतार रही है, माँ अलग गुस्सा उतार रही है, बाप अलग गुस्सा उतार रहे हैं। यानी मैंने ये देखा है ना, बाज औरतों का सास से झगड़ा हो गया, सास को जलाने के लिए बच्चे को मार रही है। देखा होगा आपने भी, सास से झगड़ा हुआ ना, अभी सास को तो नहीं मार सकती है, तुमको नहीं मार सकती हूं, तुम्हारे पोते को मारती हूं, अब तुम क्या करोगी। हाँ, सास को जलाने के लिए, ननद से झगड़ा हो गया उस पर उतार रही है, शौहर से झगड़ा हो गया, अब शौहर को तो कुछ नहीं कर सकती, अब शौहर को जलाने के लिए बच्चे को मार रही है। हम जुल्म को, यानी हमारे मातहत जो होता है ना उस पर जुल्म करने को हम जुल्म ही नहीं समझते सिरे से, कि हमारे मातहत है ये तो, हम इसका इसके ये तो हमारा गुलाम है, हम तो इसके मालिक बन गए, तो हम जो करें वो करें। वो हकीकत में भी गुलाम होता तो भी आप जुल्मन मारेंगे, अल्लाह ताला का जवाब देना पड़ेगा, एक एक तमाचे का, एक एक कोड़े का हिसाब देना पड़ेगा। आपका बच्चा है तो क्या, आप कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा, गुलाम भी होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने गुलाम को तमाचा मार दिया, एक लौंडी को मार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो अल्लाह के रसूल ने इतना डराया, इतना डराया, इतना डांटा उनको कि उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं आजाद करता हूं इसको। लौंडी को मारने पर अल्लाह के नबी ने इतना डराया कि कहा कि मैं आजाद करता हूं, आपका बच्चा आपका गुलाम है, आप जो भी करेंगे अल्लाह ताला का जवाब नहीं देना पड़ेगा। रजुल राइन अला अहली बैती वो मसूलुन अनहा, आदमी अपने घर वालों पर निगरान है, अपने घर वालों के बारे में जवाब देना पड़ेगा। एक तमाचा भी आपने अगर जुल्मन मारा है बच्चे को, ये सोचें कि कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा उसके लिए आपको। हमने हलवा समझा हुआ इसको, गुस्सा उतारते हैं बच्चों पर।